कृषि और पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के कोटला में लोगों से रूबरू होते हुए उनकी समस्याओं को सुना और अधिकतर समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया और बाकी समस्याओं के निवारण के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गांव में आम आदमी के द्वार पहुंचकर उनकी समस्याओं का निवारण सुनिश्चित कर रही है। प्रदेश के सभी क्षेत्रों का समान विकास और समाज के सभी वर्गों का समान कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। बहुत से जो विकास के कार्य हैं उसके बारे में, कुछ हमारी नई योजना साल की थी उसकी प्रगति के बारे में ये बैठे रखी थी, कुछ आपकी अपनी शिकायतें भी हैं उसका भी निवारण जांच करने के लिए आपको बुलाया है, क्योंकि सुबह एससी और एक्शन साहब की बैठी थी वो तो आई नहीं। तो दूसरे जो पदाधिकारी हैं जो अभी हमारे, ये हमारा जो दरिया है देर खड़े इसकी भी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और अभी क्योंकि काफ़ी क्रशर क्रशर ऊपर लगे हैं और पूरे पूरे दरिया की हालत ख़राब ही है। अभी इसके चैनलाइजेशन के लिए 10,69,00,000 रुपये की राशि सेंक्शन किया और इसका जो बजट है वो सेंक्शन हो गया है।